रुसु एक सवाल दिया है कि रीता व गीता प्रति माह 6,000 रुपये व 8,000 रुपये कमाती है और दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती है, तो दोनों के बचत का अनुपात आपको ज्ञात करना। मतलब ये जो सवाल है ये है हमारे अनुपात से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया रीता और दोस्तों ये क्या हो गई आपकी गीता। रीता कमाती है कितना? 6,000 रुपये और गीता कमाती है दोस्तों कितना? बोले 8,000 रुपये। ठीक, ये इनकी कमाई है। आगे बोला गया है कि रीता और गीता 70% और 80% खर्च करती है। अगर देखा जाए तो ये खर्च कितना कर रही है? 70% और ये खर्च कितना कर रही है? 80%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्या हो गया दोस्तों, तो ये हो गया इनका खर्चा। क्या हो गया? इनका खर्चा। तो आप मुझे बताइए, जब भी प्रतिशत की बात होती है तो दोस्तों हम कितना लेते हैं? 100%। तो अगर 70% खर्च कर रही है तो बताइए बचत कितने की कर रही होगी? तो 30% की। ऐसे अगर गीता की बात करें, 80 खर्च कर रही है तो बचा कितनी रही है? तो 20% बचा रही है, यानी ये हो गया इनका बचत। अब बचत ही दोस्तों आपको निकालना है, तो यहां से हम निकालेंगे रीता का मतलब 6,000 रुपये का 30% निकाल दे तो बटे में हो गया आपका 100। ये 1, 2, 1 से 1 गया, 6 तिया हो गया 18, मतलब ये हो गया 1800। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से गीता का निकालेंगे तो 8,000 रुपये गुणा आप करेंगे 20%, मतलब बटे में कितना होगा? 100। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया दोस्तों, 8 दुनी हो गया 16 और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया,